अभी जो है फाइट स्टार्ट होने वाली है वोल्केनोस्की वर्सेस ओर्टेगा, और ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि वोल्केनोस्की, अरे ये क्या है ओपनिंग में, ये क्या आ रहे हैं भाई, ये किसकी, मुझे लग रहा है ये इसकी होगी, क्या कहते हैं, मैं लेट मी गेस, ये होगा ओर्टेगा, होगा ब्रायन ओर्टेगा। हाँ क्योंकि उसी की होती है, इतनी इतनी हाइट तो ओर्टेगा की है। बट अभी जो मैं कह रहा हूँ कि ओर्टेगा भाई, आई डोंट नो भाई, बहुत चिल था पूरी फाइट वीक में शायद। बट काफ़ी लोग कह रहे थे कि जब फेस ऑफ हुआ था तो वोल्केनोस्की ने कुछ कहा था कि उसने, यू नो, जब ओर्टेगा की फर्स्ट फाइट थी उसने ड्रग्स वगैरह लिए थे उसमें, तो वो सस्पेंड भी हुआ था। सो उसने कुछ कहा था ड्रग चीटर, तो उसके बाद ओर्टेगा ने बोला फक द बेल्ट, आई एम गोइंग फॉर हिज हेड। सो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई मेंटली ओर्टेगा प्रिपेयर नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि मेंटली, आई थिंक कि इस पूरे फाइट वीक में सबसे, लाइक जो फाइट वीक था शुरुआत में एमबीड में जितना दिख रहा, सबसे चिल गाय ओर्टेगा ही था भाई, सबसे चिल। आई डोंट नो भाई, बंदी के साथ घूम रहे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कौन जीतता है ये फाइट। आई थिंक ये फाइट थोड़ी लाइक डिफिकल्ट होने वाली है, लाइक प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान ही है, बिकॉज लास्ट फाइट में ओर्टेगा ने काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग शो करी थी, और काफ़ी अच्छा, लाइक उसने बोला था कि कहते हैं चेस गेम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि फेंट्स लैंड करना और स्ट्राइक सोच समझ के लैंड करना, काफ़ी सोच समझ के स्ट्राइक्स लैंड कर रहा था। और उसकी ओर्टेगा की ग्रैपलिंग भी काफ़ी अच्छी है और कार्डियो भी ठीक है। सो आई थिंक इस फाइट में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेम सेम टाइम पे वोल्केनोस्की भी काफ़ी बढ़िया फाइटर है, काफ़ी अच्छा ग्रैपलर भी है। बट आई गो इन दिस फाइट, आई गो विद ब्रायन ओर्टेगा, कि मुझे लगता है ब्रायन ओर्टेगा ये फाइट जीतेगा। बट लेट्स सी भाई क्या होता है, कौन जीतता है ये फाइट। भाई काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस फाइट ब्रो। आई नो कि निक डियाज पूरी हाई पूरी वो ले गया, क्या कहते हैं, लाइमलाइट इस कार्ड के लिए, बट ये मेन इवेंट भी बढ़िया है, गाने गा के आ रहा है, और दोनों के बीच में थोड़ा ब्लड ब्लड भी था। बट वोल्केनोस्की भी थोड़ा चिल लग रहा है, लेट्स सी भाई क्या होता है। ये सेकंड वर्ल्ड टाइटल शॉट है ओर्टेगा का, तो आई होप यू डोंट लूज। सो लेट्स सी भाई क्या होता है। और वैसे भी वोल्केनोस्की काफ़ी स्ट्रांग है, वो 180 पाउंड्स, 185 पाउंड से 140 बनाता है, सो ही इज स्ट्रांग। 71 रीच, ओ माई गॉड भाई, रीच वोल्केनोस्की की काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू। बट यू नो, लेट मी जस्ट एक चीज़ बोलना है, तो फाइट से पहले, मैं फाइट के बाद में फिर मैं हंसूँगा अपने ऊपर अगर वो चीज़ नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि ओर्टेगा ये फाइट नॉकआउट से जीतेगा, आई डोंट नो ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी भाई क्या होता है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है भाई, आई डोंट नो, एंड नाउ आई फील कि भाई दोनों के बीच में वॉर होने वाली है। आई डोंट नो भाई, भाई दोनों के बीच में वॉर होने वाली है भाई, फुल। लेट्स सी भाई क्या होता है। अरे भाई वोल्केनोस्की ने डिस्टेंस कंट्रोल कर रखा है काफ़ी अच्छी तरीके से, एक तरीके से अभी तो, और किक्स भी लैंड कर रहा है। ओ नाइस ओवर हैंड बाय वोल्केन। आई थिंक ओर्टेगा थोड़ा हर्ट हुआ जिस तरीके से उसने, वोल्केनोस्की ने लैंड किया भाई। अभी तक तो वोल्केनोस्की थोड़ा डोमिनेट कर रहा है फाइट को, ही इज मिक्सिंग अलॉट इन साइड किक्स, किक्स और फेंट काफ़ी ज़्यादा लैंड्स कर रहा है भाई। ओर्टेगा थोड़ा काफ़ी हर्ट, थोड़ा तो नहीं, थोड़ा हर्ट लग रहा है, मतलब हर्ट लग रहा था जैसे पंचेस वगैरह लैंड हो रहे हैं। ओके कट भी हुआ है थोड़ा सा वोल्केनोस्की के, दोनों ने एक दूसरे पे जैब लैंड किया। एंड राउंड ओवर, सो फर्स्ट राउंड विन बाय वोल्केनोस्की, बिकॉज उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करी और काफ़ी अच्छी स्ट्राइक्स लैंड करी, इफेक्टिव। सो फर्स्ट राउंड वोल्केनोस्की जीता है बिकॉज हीज लैंड अ लॉट ऑफ गुड जैब, एंड काफ़ी ज़्यादा मिक्स किया उसने, और काफ़ी ज़्यादा फेंट्स भी, मतलब फेंट्स थ्रो करके काफ़ी अच्छे स्ट्राइक्स लैंड करी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड और काफ़ी बढ़िया बढ़िया पंच लैंड किया और हर्ट भी किया ओर्टेगा को, और ओर्टेगा ने भी कुछ लैंड किया, बट इफेक्टिव वोल्केनोस्की के ज़्यादा थे, और दोनों के लाइक एक के यहाँ से छिल गया, एक के यहाँ से छिल गया। सेकेंड राउंड स्टार्ट, कैचिंग देम एंड काउंटरिंग, आई डोंट नो भाई कि कितना काउंटर किया ओर्टेगा ने अभी तक, बट आई हियर इन कमेंट्री ओर्टेगा डूइंग अ गुड जॉब कैचिंग देम एंड काउंटरिंग। आई डोंट सी भाई एनी काउंटर, बट हाँ कैच वो कर रहा है, बट काउंटर तो आई डोंट सी एनी काउंटर भाई। ओ इट्स स्लैप, आई डोंट नो, वोल्केनोस्की ने स्लैप लैंड किया और जैब, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक अ स्लैप। ओ नाइस लेग किक भाई ओर्टेगा भाई, यू सी द रिएक्शन भाई, घूम गया भाई वो तो पूरा, उसने स्टैंस भी चेंज कर लिया, अब दोबारा स्टैंस चेंज कर लिया किक करने के लिए। ओर्टेगा हर्ट लग रहा है, अभी जैब लैंड किया वोल्केनोस्की ने काफ़ी अच्छा। ओ नाइस जैब एंड राइट हैंड बाय ओर्टेगा, टीप किक, टीप किक नहीं ओब्लिक किक, सॉरी बाय वोल्केन, नाइस किक बाय वोल्केनोस्की। ओ भाई ओर्टेगा ने भी एक फेस किक लैंड करी,
बट कुछ हुआ नहीं. आ नाइस किक बाय ओर्टेगा. आई गेस ओर्टेगा को ज़्यादा किक्स लैंड करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा किक्स लैंड करने भी डेंजरस होती है. वोल्कनोव्स्की भी किक लैंड कर रहा है, थाई किक. ओ नाइस जैब बाय ओर्टेगा. होली शिट, नाइस 1-2 बाय वोल्कन. भाई ओर्टेगा को किक्स किक थ्रो करनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है लाइक ओर्टेगा लाइक वोल्कनोव्स्की को. सो बिकॉज अभी तक उसने 3 किक लैंड करी है, तीनों में लाइक उसने रिएक्ट किया क्या नाम है वोल्कनोव्स्की ने, एंड उसके कान वान से खून भी निकल रहा है भाई, दोनों के उसके शरीर से खून निकल रहा है मुंह वगैरह से, और कैसे निकल रहा है ये भी नहीं पता चल रहा भाई, बिकॉज दोनों काफ़ी स्पीड में लैंड कर रहे हैं पंचेज वगैरह. ओह दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, बातें हो रही हैं इनके बीच में. ओ भाई फुल, ओ भाई भाई अभी 3 राउंड और बचे तब कर लेना उसके बाद बातें. सो सेकेंड राउंड इज ऑल्सो आई थिंक विन बाय वोल्कनोव्स्की, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ओर्टेगा बढ़िया नहीं कर रहा, ओर्टेगा भी बढ़िया, बट फर्स्ट राउंड वोल्कनोव्स्की फ्रॉम माय पॉइंट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मुझे लगता है वो डोमिनेट किया था उसमें. ओर्टेगा ने भी कुछ गड़ी स्ट्राइक्स लैंड करी, बट सेकेंड राउंड में आई थिंक इट्स अ क्लोज. ओर्टेगा के लिए भी मैं समझ सकता हूँ उसने लैक किक्स लैंड करी है काफ़ी अच्छी अच्छी. सो बट आई गो विद वोल्कनोव्स्की. सो 2 राउंड अभी तक वोल्कनोव्स्की जीता है मेरे स्कोर कार्ड में. सो लेट्स सी भाई क्या होता है. थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है. ओ भाई थर्ड राउंड स्टार्ट. ओ नाइस लेग किक बाय वोल्कन. बाय द वे वोल्कनोव्स्की को मैं वोल्कन बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म. ओ नाइस हुक बाय वोल्कन. हेड क्लैश हुआ था दोनों का ऐसा डीसी ने बोला. ओ भाई हेड क्लैश हुआ दोनों का, तो अब मुझे नहीं पता कौन हर्ट हुआ, बट अभी तो ओर्टेगा मेरे को हर्ट लग रहा है, बट वोल्कनोव्स्की काफ़ी अच्छे से लैंड कर रहा है स्ट्राइक्स वगैरह. ओ नाइस अपरकट बाय ओर्टेगा. टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि भाई वोल्कनोव्स्की ग्राउंड पे वोल्कनोव्स्की नहीं ओर्टेगा ग्राउंड गेम पे भी जाने की कोशिश करेगा, बट ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू ग्राउंड, ही इज जस्ट डूइंग स्ट्राइकिंग. ओ ही गोस फॉर ओ ओ भाई ना 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 ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 दैट भाई लॉक है बहुत तगड़ा लॉक पैर चो ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 मेरे को ऐसा लग रहा है वोल्कन जैसे गायब, मतलब जैसे होता है मच सांस. ओ भाई यू नो जब मछली को पानी से बाहर निकालते हो जिस तरीके से फड़फड़ाती है उसे सांस नहीं आती, वोल्कनोव्स्की भी उस तरीके से अपने पैर हिला रहा था. सो दैट वाज जस्ट आई एम सेइंग वो ढंग से यू नो इंटरनेट इशू की वजह से वो ढंग से सुनाई नहीं दिया भाई. ओ नहीं भाई वोल्कन कम बैक भाई वोल्कन कम बैक भाई वोल्कनोव्स्की कम बैक भाई लिटरली भाई भाई अभी एक मिनट भाई कुछ भी हो सकता है. वोल्कनोव्स्की काफ़ी बढ़िया वो है क्या कहते हैं ग्रैपलर. सो लेट्स सी भाई क्या होता है. ओ भाई ओर्टेगा ने ओ भाई वोल्कनोव्स्की भाई वोल्कनोव्स्की ने भाई फुल ले गया ग्राउंड पे एंड ही इज लैंडिंग एल्बो भाई 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 एक टाइम के लिए मुझे लगा दिस इज इट भाई, जिस तरीके से टाइट था गिलेटिन वो काफ़ी टाइट था लाइक भाई या दिस इज इट क्या, बट देन भाई वोल्कनोव्स्की ने कम बैक किया इसने वो. ओ अगेन आ आ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई 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 बंदूक क्या, अरे चल 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 ओ भाई ट्रायंगल 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 क्या हुआ ट्रायंगल ट्रायंगल लग गया भाई. आई डोंट नो भाई कितना बढ़िया ट्रैक बट ट्रायंगल है भाई लिटरली भाई ही नीड टू लैंड लाइक एल्बो और समथिंग बट नहीं निकल छूट गया. ओ भाई ये जस्ट लाइक नहीं 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 भाई फुल क्रेजी राउंड भाई फुल बढ़िया राउंड. ओ भाई वोल्कनोव्स्की ने जो कमबैक किया ना अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा ओर्टेगा भाई, ओर्टेगा तो बस पंचेस खा रहा है वो कुछ कर नहीं रहा भाई. 11 सेकंड बचे हैं 10 सेकंड लेट्स सी क्या होता है 10 भाई भाई फुल तगड़ा राउंड भाई फुल तगड़ा राउंड था ये तो भाई. हाँ भाई क्या राउंड था भाई सांसें धक धक हो गई मेरी तो भाई. लास्ट राउंड जो बढ़िया था इतना बढ़िया राउंड भाई. ओ भाई क्या बोले भाई उसने इतना जोर से टाइट किया था भाई वोल्कनोव्स्की वो राउंड जीता है बाय द वे मैं बता दूं. आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं बताना भूल गया, जिस तरीके से टाइट किया था ना आई वाज थिंकिंग भाई दिस इज इट, बट भाई वोल्कनोव्स्की मानना पड़ेगा भाई ही कम बैक लाइक लिटरली भाई एक चैंपियन की तरह उसने कम बैक किया उस राउंड में. ही गॉट ओ भाई आई होप डॉक्टर स्टॉपेज नाउ बट
आई डोंट नो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसिल हो सकती है फाइट, आई डोंट नो, ऐसा मुझे लग रहा है। डिड आई मिस समथिंग भाई? लाइक भाई ओ एकदम से ब्रेक आने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है, क्योंकि ये भाई एकदम से बंद हो गया बीच में, लाइक स्क्रीन वो कह रहा हूँ फ्रीज होगी स्क्रीन, एंड उसके बाद कुछ आ नहीं रहा। एंड देन आई चेंज द चैनल भाई, आई सॉ द ब्रेक्स, अब भाई मुझे पता नहीं चल रहा क्या हुआ, आई थिंक फाइट ओवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से फाइट ओवर होगी, वरना ब्रेक तो नहीं आनी चाहिए थी। आई डोंट नो भाई क्या हो रहा है, ब्रेक क्यों आ गई? अबे भाई फाइट चल रही है, शिट भाई मैंने तीन दो मिनट मिस कर दिए भाई, शिट भाई मैंने दो मिनट मिस कर दिया, मैं पता नहीं कौन सा चैनल खोल के बैठ गया था, आई एम सो सॉरी भाइयों। सो यू नो भाई 10-8 राउंड हो सकता है अभी तक तो जिस तरीके से चल रहा है, आई एम सॉरी भाइयों कि मैं शुरुआत से रिएक्ट नहीं कर पाया क्या हुआ था भाई। ओर्टेगा बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहा है भाई, आई डोंट नो लाइक इतना डैमेज अच्छा नहीं है करियर के लिए, बट लेट्स सी भाई क्या होता है आगे। ओर्टेगा गैस आउट भी हो रखा है आई गैस, मैंने शुरुआत से फाइट नहीं देखी, फर्स्ट फोर्थ राउंड की शुरुआत से नहीं देखी, लाइक खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, लेट्स गो फिर भाई, खड़ा भी नहीं हो पा रहा ओर्टेगा तो, ओर्टेगा तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा भाई, फोर्थ राउंड ओवर। अबे हाँ इसने बहुत ज़्यादा डैमेज लिया भाई दोनों टाइटल फाइट्स में, इसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया उसने तो, लास्ट टाइम मैक्स होलोवे ने इतना डैमेज कर दिया था और अब इसने वोल्कनोवस्की ने। ओर्टेगा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है भाई, बढ़िया फोर्थ राउंड थोड़ा मिस कर दिया बट आई नो कि बढ़िया फाइट थी, थर्ड राउंड स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट था भाई, भाई जो गिलिटिन इतना टाइट था ना, आई वॉज मुझे नहीं लग रहा था कि वो निकल आएगा उससे, बट भाई वो निकल आया, जस्ट सो भाई चैंपियनशिप माय सेट। मैंने कुछ बोला था कि मुझे लग रहा है ओर्टेगा नॉकआउट करेगा वोल्कनोवस्की को, आई डोंट नो भाई 50-45 होंगे, कहीं कहीं 40-50-44 भी हो सकते हैं रिकॉर्ड, सो लेट्स सी क्या होता है। 49-46 किसी ने 49-46 दिए भाई, आई डोंट नो, सेकंड राउंड क्लोज था और थर्ड राउंड मे बी, सो आई अंडरस्टैंड, बट आई गो विथ 50-45 एंड 50-44 क्योंकि कुछ राउंड तो 10-8 थे। फोर्थ राउंड जैसे कि मैंने पूरा नहीं देखा बट जहाँ मैं देख रहा था भाई अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉय कर रहा था।